दोस्तों, पुराणों के अनुसार शनि देव का दिन बेहद ही खास माना जाता है। कहा जाता है कि सारे देवी देवता एक तरफ और शनि भगवान एक तरफ। शनिवार शनि देव का दिन है, इसलिए आज हम आपको शनिवार के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। पुराणों के अनुसार शनि देव सूर्य देव के पुत्र है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उनका प्रभाव अपने पिता सूर्य देव से कई गुना ज्यादा है। हर व्यक्ति की राशि में सूर्य सिर्फ 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1 महीने, बुध 1 महीने तक, शुक्र 1 महीने तक और बृहस्पति 13 महीने तक आते हैं। लेकिन शनि देव किसी भी राशि में 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहते हैं। दोस्तों, किसी भी कुंडली में आने से पहले 3 महीने पहले ही शनि अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में शनि भगवान 3 से 4 बार आते हैं। हर मनुष्य के जीवन पर शनि का प्रभाव उसके ग्रहों के अनुसार पड़ता है, इसलिए जहाँ तक हो सके हमें शनि की वक्र दृष्टि से हमेशा बचे रहना चाहिए। शनि का नंबर 8 का होता है और आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो आपको शनिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहा, शनिवार को भूल कर भी आपको लोहा या लोहे का कोई भी सामान, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे सुई से लेकर गाड़ी तक आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को लोहे का एक आसन दिया था, जिससे शनिदेव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि राजा विक्रमादित्य पर डाल दी थी। तब से यही मान्यता है कि शनिवार के दिन लोहा खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत शनिवार को लोहे का दान शनिदेव को खुश कर सकता है और आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। चमड़ा, शनिवार के दिन चमड़ा या चमड़े से बनी कोई भी वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि आपको नहीं खरीदनी चाहिए। शनिवार के दिन ये चीजें खरीदने से आपकी सफलता में रुकावट आ सकती है। तेल, शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का तेल, चाहे वो खाने का हो या पकाने का हो, घर में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। शनिवार के दिन घर में तेल लाने से घर में कष्ट और बीमारी आती है। इसके विपरीत शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। कोयला, शनिवार के दिन घर में कोयला लाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। कोयला काले रंग का होता है, जिसका मतलब होता है कि आप शनिदेव के स्वरूप को घर ला रहे हैं। दूसरा, यह एक ईंधन है। शनिवार को किसी भी तरह का ईंधन घर में लाना अशुभ माना जाता है। इसे लाने पर आपके घर में बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। झाड़ू, शनिवार को भूल कर भी आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। शनिवार को लाई गई झाड़ू घर के धन को हानि पहुंचाता है। काले तिल, शनिवार के दिन घर में काले तिल लाना भी बिल्कुल वर्जित माना गया है। शनिवार को काले तिल का आगमन मतलब कि शनि देव का आगमन माना जाता है। नमक, शनिवार के दिन हमें नमक खरीदने से परहेज करना चाहिए। शनिवार को खरीदा गया नमक घर में बीमारी ला सकता है। शाही, शनिवार के दिन हमें घर पर बिल्कुल भी लानी चाहिए। यह हमें अपयश और कलंक दिला सकती है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। राजा हो या रंग, कोई भी उनके प्रभाव से नहीं बच सकता है। शनि की वक्र दृष्टि अमीर से अमीर आदमी के भी छक्के छुड़ा सकती है। शनि की खासियत यह है कि वो किसी की भी राशि में बहुत ही ज्यादा धीरे से आते हैं और धीरे धीरे ही जाते हैं। वह हमारे जीवन में जब भी आते हैं तो लंबे समय तक ही रहते हैं। अगर हम जीवन में गलत काम करते हैं तो शनिदेव निर्दयता से हमें उसका फल देते हैं। इससे जीवन में ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि शनिदेव हमसे रुष्ट हो जाए। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि शनि के अच्छे प्रभाव हमें मिले। जय शनिदेव महाराज की।